जो योजनाएं आपको फायदा हो रहा है, क्या क्या हुआ है, जरा फिर से बताइए। जी सर, हम बिल्कुल लास्ट विलेज बॉर्डर का है सर ये जम्मू का, और हमें यहाँ भरपूर फायदा हो रहा है किसानी करने का। जैसे मैं बात करूं केसीसी की, सर मैंने अप्रैल 2023 में केसीसी लिया, उस केसीसी का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। उस ट्रैक्टर से मैं उससे भी मुझे एग्रीकल्चर ने और फायदा दिया, फार्म मशीनरी बैंक के रूप में मुझे 2 लाख का फायदा हुआ सब्सिडी के रूप में। और वो सब्सिडी सर आज की डेट में जो मेरे पे कर्जा था ट्रैक्टर का, वो उसके चलते सर मैं किसान सम्मान निधि की भी लाभार्थी हूँ। मेरे परिवार में किसान सम्मान निधि भी मिलती है, जिससे हम साल में 6,000 रुपए का भरपूर फायदा उठाते हैं। जब भी हमने रबी खरीफ की फसल आती है उसी टाइम। देखिए आप तो कितने बड़े इंसान हैं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर की मालिक हो गई है। आपका आशीर्वाद है सर, पहले नहीं थी, ये फर्स्ट व्हीकल फर्स्ट इम्प्लीमेंट मेरे नाम पे है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने आपकी मेहरबानी से, ऑनरेबल एलजी साहब की मेहरबानी से ये मुझे मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए 100% लाभार्थियों तक ये सारे लाभ पहुंचे, इसके लिए आप भी कुछ जागृति का काम, लोगों से बताने का काम, अगल बगल के लोगों को जागरूक करने का काम कुछ करते हैं क्या? बिल्कुल सर, मेरे पास अगर मेरे ये मैंने फायदा लिया है, मेरे पास मेरी पंचायत में कोई 30 लोग हैं जो केसीसी के लाभार्थी हैं, मेरे पास सर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, मेरे पास किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। ये सर मेरी पूरी पंचायत जल जीवन मिशन पूरा कवर किया है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बॉर्डर पे आपके, बहुत आपके अच्छी पंचायत है। में लोग कितने, जनसंख्या कितनी है सर? मेरे पास 2980 वोटर्स हैं, 4700 लोग हैं पूरे। आप इतना सारा याद रखती हो? सर ग्रास रूट लेवल पे आपसे ही सीखा है काम करना, और काम करती हूँ, भूलती नहीं हूँ कभी भी। तो फिर मैं तो आपसे बलवीर जी कहूंगा कि आप नेता बन करके अगल बगल के 10 गांवों में ये बात पहुंचाइए। जी सर करोगी? जी सर आप देखिए मेरा एक ही है, सरकार की योजनाएं, सरकार की योजना नेताओं की फोटो निकालने के लिए नहीं है। सरकार की योजना नेता आ जाए यहाँ विज्ञान भवन में दिया जला दे, अखबार वाले छाप दे, ऐसे मैं मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए तो सारी योजना सारा पैसा आखिर तक के व्यक्ति तक, आखिर तक के गांव तक पहुंचे, और ये मुझे तब होगा कि जब आप जैसे लोगों का मुझे मदद मिलेगी। और ये जो मैं संकल्प यात्रा लेकर के निकला हूं ना, गांव गांव जो ये मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि हमने जिनको मिला है उनके अनुभव जानना है, और जिनको अभी मिला नहीं है मैं 5 साल में वो काम पूरा करना चाहता हूं, और सही लोगों को ढूंढना चाहता हूं कि जिनको सचमुच में जरूरत है, और फिर मैं सरकार का बजट भी उसमें लगाना चाहता हूं, और इसलिए हिंदुस्तान के हर गांव में ये मोदी के विकास की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। तो ये गाड़ी का लाभ सबको मिले, इसके लिए करोगी आप बलवीर जी?